क्योंकि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ऑस्ट्रिया में भी, आपने फीस वगैरह मान लो बहुत कम भी है, उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज जो हमने डिस्कस किया कि वो आपको ध्यान रखना ही रखना है, चाहे बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो, जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी आता ही आता है। तीसरा, वहाँ का एक प्रोसीजर है कि भाई वहाँ पे एप्लीकेशन की जो डेडलाइंस है वो डिफर करती हैं। हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आरके रोसिस एजुकेशन। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि आप ऑस्ट्रिया में कैसे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए या जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं बैचलर्स या मास्टर्स के लिए, कैसे एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो उसका एक पूरा पूरा प्रोसीजर हम लोग समझते हैं फॉर ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अभी मेजरली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट में क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी आसान होती है। तो पहले पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन प्रोसीजर को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग इसमें और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आगे। किसी को भी मान लो अगर हम बैचलर्स में अप्लाई करने की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे पहले भी हमने जर्मनी के लिए समझाया हुआ है, मैंने भी समझाया है, मनी ने भी, आपको बहुत सारे वीडियोज़ में आप देखने मिलेगा कि बैचलर्स के लिए जर्मनी में कैसे अप्लाई करते हैं। तो इंडिया से जब आप ट्वेल्थ करते हो, ट्वेल्थ करने के बाद में डायरेक्टली बैचलर्स जैसे जर्मनी में आप फर्स्ट सेमेस्टर नहीं शुरू कर पाते हो, अगर आपका कोई भी स्टेट बोर्ड है या CBSE या ICSE का बोर्ड होता है। खाली बस IB और कैम्ब्रिज बोर्ड वालों को अलाउ होता है, क्योंकि इंटरनेशनल बोर्ड हो जाते हैं, वो लोग डायरेक्टली आगे बैचलर्स शुरू कर सकते हैं। सेम चीज़ होती है ऑस्ट्रिया में भी, अगर आप ऑस्ट्रिया की किसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो, आपको वहाँ पर भी 13th ईयर चाहिए ही होता है, और वो 13th ईयर करने के बाद फिर आप एलिजिबल बन जाते हो वहाँ पर बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में। अब जैसे जर्मनी में भी आपको बैचलर्स के जो कोर्सेज़ हैं इंग्लिश और प्रोग्राम थोड़े से कम मिलेंगे, मैनेजमेंट में भी और टेक्निकल प्रोग्राम्स में भी काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, सेम ऑस्ट्रिया का भी यही हाल है ना। वहाँ पे अगर आप बैचलर्स के प्रोग्राम देखोगे इंग्लिश डॉट के, मैनेजमेंट टेक्निकल कोर्सेज़ के, लॉ के, मैथ्स, कोई से भी है, वो आपको काफ़ी कम मिलने वाले हैं। उस केस में जैसे हम यहाँ पे कंडीशनल एडमिशन लेके आते हैं कि पहले हम यहाँ पे लैंग्वेज सीखते हैं जर्मनी में, उसके बाद जब हम लैंग्वेज का पेपर क्लियर करते हैं हम लोग, जैसे कि टेस्ट ऑफ या DSS2 का पेपर देते हैं, फिर हम अपनी बैचलर शुरू कर सकते हैं। सेम होता है ऑस्ट्रिया में भी, ऑस्ट्रिया में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको कंडीशनल लेटर के तौर पर वहाँ पर बुला के या तो लैंग्वेज सिखाएंगे अपने पास में, जब आप लैंग्वेज पूरा कर लोगे उसके बाद में आप वहाँ पर फिर बैचलर शुरू कर सकते हो, अगर आप जर्मन डॉट में जा रहे हो तो। इंग्लिश डॉट में सब चीज़ें नहीं चाहिए होती है। अब मास्टर्स की बात करें इस चीज़ में, तो मास्टर्स में इंग्लिश डॉट प्रोग्राम ऑस्ट्रिया में थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि मास्टर्स में इंटरनेशनल कोर्सेज काफ़ी सारे आ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो तो। सिर्फ हमें ध्यान रखने का क्या होता है इसमें कि आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे मान लो, है ना। बट ऑस्ट्रिया में क्या चीज़ें हैं कि एक है इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में IELTS देना मैंडेटरी है, 6.5 बैंड्स के आसपास में IELTS चाहिए होता है। उसके अलावा चाहे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स ही क्यों ना हो यूनिवर्सिटीज़ का, मैक्सिमम सब जगह पे वो लोग आपसे जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगते ही मांगते हैं। A1 और A2 मैंडेटरी होता है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन के टाइम पे। वो अगर आप एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं जमा करा पाओगे तो आपका रिजेक्शन उस रीज़न से भी आ सकता है वहाँ पे। और क्योंकि ऑस्ट्रिया बिल्कुल जर्मनी के नेबर कंट्री है, एजुकेशन सिस्टम कह लो, पूरा पूरा कल्चर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और जर्मन ही वहाँ की नेशनल लैंग्वेज भी है, तो जो स्टूडेंट्स जिनका मान लीजिए जर्मनी में नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो आप ऑस्ट्रिया भी एज अ कंट्री अपना सेकंड ऑप्शन को रख सकते हो इसके लिए। तीसरा बात करते हैं कि फ़ीस क्या होती है वहाँ पे, है ना। तो जैसे जर्मनी में भी आप बोलते हैं कि भाई ट्यूशन फीस कई सारे स्टेट्स में मैक्सिमम सभी जगह पे नहीं है, खाली एक बाडन वुर्टेनबर्ग करके स्टेट है जहाँ पे 1500 यूरो की जो आपकी ट्यूशन फीस लग रही होती है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हो। सिमिलरली ऑस्ट्रिया में भी यही है, वहाँ पे भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस वगैरह नहीं है। कुछ आपको मिलेंगी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें कि फ़ीस अगर सेमेस्टर की भी है और रफली आपका 1500 से 2000 यूरो के आसपास की एक सेमेस्टर की फ़ीस आती है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं मानोगे उसको भी। बट क्योंकि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ऑस्ट्रिया में भी, आपने फ़ीस वगैरह मान लो बहुत कम भी है, उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज जो हमने डिस्कस किया कि वो आपको ध्यान रखना ही रखना है, चाहे बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो, जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी आता ही आता है। तीसरा, वहाँ का एक प्रोसीजर है कि भाई वहाँ पे एप्लीकेशन की जो डेडलाइंस है वो डिफ़र करती है। जैसे जर्मनी में क्या होता है कि आपका जो इनटेक है, समर इनटेक हो गया जो कि 5 अप्रैल से शुरू होता है, जिसकी मैक्सिमम डेडलाइन 15 जनवरी तक भी जाती है, और जो यहाँ पे विंटर इनटेक होता है जर्मनी में उसकी जो मतलब अक्टूबर से शुरू होता है मान लो, उसकी डेडलाइन जाती है मैक्सिमम 15 जुलाई तक। ऑस्ट्रिया में ऐसा नहीं होएगा, है ना। ऑस्ट्रिया में डेडलाइंस पहले ही ख़त्म हो जाएंगी, जो उनका मार्च का इनटेक है उसका मान के चलो कि आपको जो एक साल पहले नवंबर दिसंबर तक आपकी एप्लीकेशन ख़त्म कर देनी है आपको, या कुछ अगर गई मैक्सिमम तो वो जनवरी तक ही जाने वाली है।
और सेम होता है आपके विंटर इनटेक के लिए भी। वहाँ पे विंटर इनटेक में भी आपका मैक्सिमम मान के चलना कि अप्रैल में तक एप्लीकेशन डेडलाइंस ख़त्म हो जाती है, तो आपको वहाँ पे पहले से प्री प्लान करके चलनी है चीज़ें के लिए। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि आप जर्मनी का भी एप्लीकेशन कराएं साथ के साथ में, प्लस आप बैकअप के लिए ऑस्ट्रिया भी बना के रखो, क्योंकि जर्मनी में एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स है ये और चेंज होनी ही होनी है अभी आने वाले टाइम में। अगर आप किसी भी इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में भी जाओगे पब्लिक यूनिवर्सिटी में, उसमें जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी हो जाएगा। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी हो गया, मैग्डेबर्ग हो गया, इन लोगों ने शुरू कर दिए ये सब चीज़ें करना, क्योंकि बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, एप्लीकेशन बहुत बढ़ गई हैं। तो अब इन्होंने धीरे धीरे करके सेग्रीगेशन करना या फिल्टर आउट करना स्टूडेंट्स को शुरू कर दिया है। तो इस वजह से ऑस्ट्रिया एक बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके पास में। वहाँ से स्टडी करने के बाद आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जर्मनी में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और क्योंकि आप उसी कल्चर में रहते हो, लैंग्वेज भी सीख रहे होते हो, तो आप एक पूरा पूरा एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो चुके होते हो, जो आपको जर्मनी में जब वहाँ से आप मूव आउट करोगे बहुत काम आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर आप ऑस्ट्रिया के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पे मान लो बैचलर या मास्टर कुछ भी परस्यू करना चाहते हैं, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। कंडीशनल लेटर के थ्रू एडमिशन हो रहा है, लैंग्वेज के थ्रू आपका एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगा, और सारी चीज़ों में वहाँ पे थोड़ी सी आसानी रहती है एडमिशन इन कंपैरिजन टू जर्मनी का। प्लस थोड़ा सा वीज़ा भी टेस्ट वेस्ट वगैरह नहीं चाहिए वहाँ पे अभी, तो आपको वीज़ा में भी वहाँ पे आसानी होती है, तो अपॉइंटमेंट्स के स्लॉट का भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता ऑस्ट्रिया में अगर आप करते हो अप्लाई। तो इसी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करो, आप ईमेल कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। एंड कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, सो थैंक यू।